आसंता 5 तारीख रु सरधाबाली ठारे अनुष्ठित हेबाकु जाउछि तीन दिनिया सर्वभारतीय कॉम्बैट जातीय चैंपियनशिप कुश्ती प्रतियोगिता। एथरे प्रथम करी कुश्तीर आधुनिक वैषयिक कला कौशल प्रदर्शन करा जिवो। कुश्तीविद माने 3 राउंड रे कुश्ती लड़िबे। एक्शन और स्कोरिंग को नै विजेता परिगणित हेबे बोली ओडिशा कॉम्बैट एसोसिएशन सभापति अनंत तिवारी प्रकाश करछन्ती। जिला कॉम्बैट एसोसिएशन सभापति तथा विधायक जयंत कुमार षडंगी सर्वभारतीय संघर सभापति और संपादक ए सांबादिक सम्मेलन रे उपस्थित थिले। आयोजक माने प्रकाश करथिले जे ओडिशा कॉम्बैट एसोसिएशन और जिला कॉम्बैट एसोसिएशन रो मिलित उद्यम रे जातीय स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता रा आयोजन करा जायछि। बालक बालिका एवं युवक महिला माने ए कुश्ती रे भाग नै पारिबे। वेटरन सीनियर जूनियर और सब जूनियर वर्ग रे एक कुश्ती प्रतियोगिता करा जिवो। भारत वर्षर विभिन्न राज्य रु 350 प्रतियोगी एवं ओडिशा रु 150 प्रतियोगी को समेत ऑफिशियल माने जोग देबे। ये गेम भारत का इतिहास में पहली बार एक गेम जो है कुश्ती से फास्ट कुश्ती से तेजी तेज ये खेल होने जा रहा है। इसको हमारी टीमों ने हमारे कमेटी के सेक्रेटरी ने हमारे लोगों ने पहलवानों ने कई वर्षों के रिसर्च के बाद आज हम लोग 3-4 साल के रिसर्च के बाद इस गेम को डेवलप किया। कई बड़े बड़े अर्जुन अवार्डेड कई NIS कोचों के साथ हमने डिस्कस किया और इस गेम पे नई दिशा देने का प्रयास किया जिसका अंतर नाम हमने कॉम्बैट रेसलिंग के नाम से रखा। और मैं आपको विश्वास देता हूँ कि आने वाले भविष्य में ये खेल पूरे विश्व में छा जाएगा, पूरे विश्व में भारत का डंका बजेगा, ये मैं गारंटी के साथ आने वाला समय में ये है। लेकिन सबसे बड़ी बात है इतिहास भी कहेगा कि पहला नेशनल कॉम्बैट का कहाँ हुआ था, यह जगन्नाथ के दरबार में हुआ था।